हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक साइड डिश यानी कि एक चटनी की रेसिपी। इसको गोंगूरा की चटनी कहते हैं। ये गोंगूरा के पत्तों से बनती है। खाने में ये बहुत ही ज्यादा चटपटी, तीखी और खट्टी टेस्ट आती है। तो चलिए इस चटपट बनने वाली मजेदार चटनी को बनाना आप शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर गोंगूरा के पत्तों को इसके डंठल से निकाल कर अलग कर दिया है और इस प्लेट में मैंने इसको रख दिया है। और अब मैं इसे धोकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसको धो दिया है और इसका थोड़ा सा पानी निकलने के बाद एक पैन में मैंने एक चम्मच ऑयल गरम करना है और उसमें ये जो गोंगूरा के पत्ते हैं उसको फ्राई कर लेना है। तो अभी गैस की फ्लेम मीडियम है और मैं ये पत्ते इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा पत्ते लेंगे तो ज़्यादा चटनी बनेगी। इतने पत्तों में एक कटोरी जितना चटनी बनेगा क्योंकि हम इसको बाद में पीसने वाले हैं। तो ये मैंने डाल लिया है। अब मैं मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लूंगी थोड़ी देर के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा चला ले रही हूँ। इसको फ्राई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। आप बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर दे के इसको छोड़ दीजिए, तभी अपने आप ही फ्राई हो जाएगा। तो बस ये हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और एक दूसरा कढ़ाई लेती हूँ और इसमें मैं मूंगफली यानी कि जो पीनट्स है वो डाल रही हूँ एक मुट्ठी, और एक मुट्ठी मैं इसमें चना दाल डाल रही हूँ, और फिर एक मुट्ठी उड़द दाल डाल रही हूँ, और फिर इसमें एक चम्मच जीरा डाल दूंगी। जीरा डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालूंगी। और ये सब डालने के बाद हमें इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। फ्लेम मीडियम पे रख के इसको करीब 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बादाम पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कलर आ चुका है। तो अब इसको मैं एक ग्राइंडर के जार में निकाल देती हूँ क्योंकि मैं इसको पहले पाउडर बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसी में निकाल रही हूँ। अब ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं थोड़ा सा लहसुन इसमें डाल रही हूँ। लहसुन के मैंने छिलके नहीं उतारे हैं। और यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 ही चम्मच इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अब मैं इसको ग्राइंड करके लेके आती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। बहुत फाइनली मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया है, थोड़ा सा कोर्सली रखा है। और अब मैं इसमें वो जो गोंगूरा को फ्राई करके रखा था उन पत्तों को इसमें डाल दूंगी। तो बस इसको डालने के बाद इसको बंद करके ग्राइंड कर लेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके लिए मैं एक तड़का बनाती हूँ। तो तड़का बनाने के लिए मैं इसमें 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैं इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसको मुझे स्टोर भी करना है, तो ये 15 दिन तक आराम से रह सकता है। और ऑयल जैसे ही गर्म होता है मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और थोड़े से लहसुन को मैंने पील करके डाला है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा चना दाल डाल रही हूँ। चना दाल 2 चम्मच के बराबर मैंने डाला है। फिर इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाला है और इसके बाद 2 सूखी लाल मिर्च को मैंने कट करके डाल दिया है। तो तड़का के लिए बस हमें इतने ही सामान चाहिए। अब इसको स्पून से मिला लेंगे अच्छे से और चना दाल को थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डालूंगी। हल्दी डालते वक्त गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा और इसको डालने के बाद बहुत ज्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सारा मसाला जो है वो जल जाएगा और इसका टेस्ट भी बिल्कुल खराब हो जाएगा। तड़का बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें गोंगूरा और जो वो पाउडर बनाकर रखी थी उन दोनों को साथ में पीस कर तैयार कर लिया था मैंने, उसको मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो बस अभी इसमें कुछ भी और नहीं करना है, इसको मिक्स करके एक 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है। उसके बाद ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, इसमें कोई भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लेटिंग भी कर दी है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, चटपटा टेस्ट आता है, तीखा खट्टा मिक्स कॉम्बिनेशन है। आप इसको गरम गरम राइस के साथ मिलाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और ये सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको साइड डिश के तौर पे खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।